दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट में कथित अनियमितताओं को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार का नया मामला दर्ज। आरोप है कि आप सरकार ने 2015 में एक फीडबैक यूनिट तैयार की थी और इससे कई लोगों की जासूसी की गई। आरोप मुख्यतः विपक्ष पर जासूसी कराने का है। ये भी आरोप है कि इस यूनिट में भर्ती के लिए केंद्र सरकार से अनुमति भी नहीं ली गई है। कहा जा रहा है कि सीबीआई ने इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की है। बरेली में दिल्ली कोच के ऐलान के चलते नजरबंद किए गए इतिहाद ए मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा कि 10 लाख मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लड़कों ने फंसाया। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि संघ का कहना है कि हिंदू राष्ट्र पहले से, यदि ऐसा है तो फिर हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों की जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन पर कार्रवाई नहीं की गई तो खालिस्तान की तरह मुस्लिम राष्ट्र की मांग भी उठ सकती है। अयोध्या एयरपोर्ट के लिए ली जाने वाली 22 एकड़ की भूमि को किसानों से समझौते के आधार पर नहीं लिया जा सका। इसके लिए अब अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू की गई। इसी के तहत गठित सामाजिक समाधान अध्ययन समिति की रिपोर्ट पर बुधवार को जन सुनवाई कार्यक्रम किया गया। इसमें गंजा पूरे हुसैन, जनौरा, कुशमाहा और धर्मपुर गांव के लोगों को बुलाया गया था। निस्तांतरण के लिए 20 मार्च की तारीख तय की गई। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, हल्द्वानी, भगवानपुर और अल्मोड़ा का मास्टर ड्रेनेज प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य की छोटी नदियों गदेरों में जल संवर्धन, जल संरक्षण और अप्रत्यक्ष रूप से भूजल स्तर में बढ़ोतरी के लिए चेक डैम या स्टाम्प डैम निर्माण को मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। वही केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम के तहत जल स्तर मापन के लिए सेंसर और भूगर्भीय जल निगरानी के लिए सेंसर लगाया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने 9 वर्ष तक काम करने वाले सभी संविदा कर्मियों का मानदेय 29,600 करने की घोषणा की है। इसी तरह 18 वर्ष की संविदा अवधि पूरा करने वाले कर्मियों का मानदेय 51,600 रुपए करने की घोषणा की गई। यूपी में भी शिक्षा मित्रों ने यही मांग सरकार से की है। 10,000 रुपए मानदेय में शिक्षा मित्रों का घर कैसे चल रहा है, इस पर ध्यान देना जरूरी है। बिहार सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा कदम उठाया है। नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं को अपना स्वरोजगार खोलने के लिए सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत सरकार की तरफ से युवाओं को लघु और कुटीर उद्योग शुरू करने के 10 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाता है। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा। हिंदू लड़कियों के अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसा ही एक और मामला सिंध से सामने आया, जिसमें एक हिंदू लड़की का अपहरण कर जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराया गया है। जल शक्ति विभाग के स्थायी कर्मचारी गुरुवार से 72 घंटे के लिए हड़ताल शुरू कर दी। जम्मू संभाग के कर्मचारी बीसी रोड पर एकत्रित हुए और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए हुंकार भरी। कर्मचारियों का कहना है कि उनका आंदोलन 267वें दिन में प्रवेश कर गया है, लेकिन उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा है। इस कारण हड़ताल शुरू की जा रही है। पदाधिकारी रवि हंस, होशियार सिंह, नवदीप सिंह, राजेंद्र सिंह शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया जाए, कर्मचारियों को नियमित किया जाए और लंबित मानदेय का भुगतान किया जाए। फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर और फहाद अहमद के व्यवहारिक समारोह में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित फिल्म और राजनीतिक जगत की कई हस्तियां शामिल हुई। अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट से तस्वीरें शेयर की और उन्हें मुबारकबाद दी। अखिलेश यादव के साथ ही तस्वीरों में माकपा नेता सीताराम येचुरी भी नजर आ रहे हैं। आईपीएल शुरू होने वाले में अब करीब 2 सप्ताह का ही समय बचा है, लेकिन इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी को इस सीजन का पहला झटका लग चुका है। इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज विल जेंक्स चोटिल होकर इस लीग के पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं।